बहन बोला भाई आपके भाई के हाथ पैर तोड़ के इतने दिए थे। चाचा को सर इन्होंने डंडों से मारा। दो पक्षों में लड़ाई झगड़ा हुआ है। पार्षद और उसके गैंगस्टर भाई का साइबर सिटी में एक बार फिर देखने को मिला आतंक। पार्षद के गैंगस्टर भाई सुनील उर्फ तोता और उनके गुर्गों ने पड़ोसियों पर हमला बोला। गुरुग्राम के धनवापुर गांव में दो गुटों में हुआ खूनी संघर्ष। आपसी झगड़े में खूब हुआ पथराव और फायरिंग। आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों में हुई तोड़ फोड़। महिलाओं सहित आधा दर्जन से ज्यादा लोग हुए घायल। निर्वर्तमान पार्षद पर लगे आरोप। साइबर सिटी गुरुग्राम के धनवापुर इलाके में उस वक्त दहशत का माहौल बन गया जब शुक्रवार रात 8:30 बजे निवर्तमान पार्षद नवीन दहिया अपने गैंगस्टर भाई के साथ मिलकर पड़ोस में रहने वाले दिनेश दहिया के परिवार के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। हमला इतना भयानक किया गया कि घायल दिनेश दहिया के परिवार के आधा दर्जन से ज्यादा लोग इस हमले में घायल हो गए। हमला लाठी और डंडों के साथ किया गया, साथ ही गोलियां भी चलाई गई। गली में चकनाचूर खड़ी इन गाड़ियों और ईंट पत्थरों की यह खामोशी उस भयानक मंजर को बयां कर रही है जिसकी गवाही देने को धनवापुर गांव का कोई बासिंदा तैयार नहीं। तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे गाड़ियों का इस्तेमाल दो परिवारों ने एक दूसरे को कुचलने के लिए किया हो। घटना के सबूत मिटाने की जरूरत ना पड़े तो पहले से ही गली में लगे सीसीटीवी फुटेज के कैमरे को भी तोड़ मरोड़ दिया गया। इस घटना के दौरान घायल हुए लोगों के परिजनों ने आरोप लगाया है कि पड़ोस में रहने वाले पार्षद नवीन दहिया के परिवार सहित दर्जनों बदमाशों ने उनके घर पर अचानक पथराव करना शुरू कर दिया। जब उनको रोकने का प्रयास किया दिनेश दहिया के घर में घुसकर उनके परिवार के लोगों के साथ लाठी डंडों से मारपीट की गई और कई राउंड फायर भी किए गए। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो इस दौरान उनकी गाड़ियों पर पथराव किया गया जिस वजह से सभी गाड़ियां बुरी तरह से डैमेज हो गई। इस बात की सूचना तुरंत गुरुग्राम पुलिस को दी गई जिसके बाद पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। धनवापुर गांव में कुछ विवाद की खबरें आई हैं, क्या कुछ मामला है और किस तरह का इसमें माहौल है? हमें अराउंड 8:30-9 के आसपास इन्फॉर्मेशन मिली थी कि गांव धनवापुर में दो पार्टीज के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है। तो मौके पर टीम पहुंची हमारी, राजेंद्र पाक की टीम पहुंची और CIA की टीम पहुंची। पता लगा कि दो पक्षों में लड़ाई झगड़ा हुआ है, पथराव भी हुआ है, कुछ लोग घायल भी हुए। घायलों को उपचार के हॉस्पिटल ले जाया गया, हम फ्यूचर कार्रवाई कर रहे हैं। किन दो पक्षों के बीच में और क्या इसके पीछे प्रारंभिक जांच में कुछ सामने आया कि क्या कारण था? कारण तो अभी इनकी फैमिली डिस्प्यूट है, पुरंजित शब्द आपस में, ये यहाँ धनवापुर के लोकल फैमिलीज ही हैं जिनमें ये डिस्प्यूट हुआ। कि पार्षद और एक उसके भाई की जो कि सुनील तोता का भी नाम आ रहा है, क्या उनके ऊपर कोई इन्वॉल्वमेंट अभी? जी, जो अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में आया कि नवीन पार्षद है यहाँ के और उनका भाई सुनील है उर्फ तोता, उनके इन्वॉल्वमेंट पे भी शक है हमें। कितने खून पुलिस ने बरामद किए हैं सर? अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इसके बारे में अभी कितने लोग गए हैं सर? अभी तो कुछ लोग अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, 4 लोगों को भी एडमिट किए हैं हमने गए, बाकियों की हमें शिकायत दी गई है सर पुलिस को? अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी हम देखते हैं। गाड़ियों में भी तोड़फोड़ हुई है, लगभग कितनी गाड़ियां इसमें? जी, अराउंड 4 गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है, कुछ गाड़ियों में शीशे वगैरह टूटे हैं, कुछ में थोड़ी हैवी डैमेज हुई है। मामला फिलहाल कंट्रोल में है? हाँ जी, मामला फिलहाल कंट्रोल में, शांति बनी हुई है, हमने पुलिस को पूरे गांव में रिपोर्ट किया। हालांकि इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए गुरुग्राम पुलिस ने पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया और सबूत को जुटाने में जुट गई। मगर आपको बता दें कि गांव में तनाव अभी भी बरकरार है और गुरुग्राम पुलिस की एक दर्जन से ज्यादा गाड़ियां और सैकड़ों पुलिसकर्मी गांव में पहरा दे रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा गुरुग्राम पुलिस इस पूरे मामले की गुत्थी को किस प्रकार सुलझा पाती है और इस खूनी संघर्ष की असली वजह क्या निकलकर सामने आती है। नाम बताइए अपना। मेरे नाम है रमेश दहिया। साहब, आज क्या घटना हुई? सर, मैं एक कॉलोनी में था अपने ऑफिस पे, किसी कॉलोनी वाले मेरे पास फोन आया, बोला भाई आपके भाई के हाथ पैर तोड़ दिए दिनेश दहिया के और गांव के ये आदमी थे, ये जिसने तोता का है गैंगस्टर, इसका भाई नवीन दहिया और ये पौवा सबसे मैन है और एक बूढ़ी है जिसका मनीष नाम है और ये लंबू और एक सन्नी डोगरा जिसने बोला जी और जीतू और जी वैसे मैं गणक नाम से नहीं शक्ल से पहचानता हूँ, पूरी गैंग 40-50 आदमी की। वहाँ से फिर हमें जैसे पहुँचा तो बोला आपका भाई तो हॉस्टल जा लिया, तो यहाँ आया तो भाई का फोन आया, घर पर वारदात कर दी, इन्होंने गोली चला रखी है। बोला भाई अपने देख के थोड़ा साइड में हो जाओ,
देखा तो जी बुरा हाल कर रखा है, यहाँ भी देखो गाड़ियों का हाल कर। कितने बजे घटना जब वहाँ पे झगड़ा हुआ था साहब? टाइम मेरे उस टाइम 8 बजे मैंने टाइम नहीं देखा जी, 8 बजे हाँ मैंने टाइम नहीं ध्यान दिया। क्यों भाई के छोटे घर में घर पे आया तो घर पे देखा था जी इन्होंने फायरिंग कर रखी है जी, रोड़े बुरा हाल कर रखा जी। हाँ यहाँ जी कई चोट लगी, हमारी चाची की चोट लगी है, भाइयों का भतीजे का चोट लगी थी, चोट लगी। कारण क्या सर? कोई कारण नहीं, ये बदमाश है, पूरा गांव इनसे दुखी है, किसी को काम करने नहीं देते, घर से निकलने नहीं देते, जब देख के गाड़ी उड़ा देते हैं, बदमाशी दिखा रहे हैं, धमकी दिला रहे हैं हर टाइम, धमकी दे रहे जी लगातार। इससे पहले जी कई दफे इनके रिपोर्ट भी, हमारी रिपोर्ट भी नहीं लिखी, वीडियो भी हमारे पास, चौकियों में जाते हैं इनके चढ़ावा चले जाता है, भाई प्रशासन के जवाब देता है, भाई मेरी चौधरी मैं यहाँ का पार्षद हूँ, मेरी ये चलेगी वो चलेगी जी, हम तो दुखी हो रही है, हमारी रिपोर्ट भी नहीं लिखते लोग वहाँ से। कुल कितनी गाड़ियाँ ऐसे यहाँ पे डैमेज की हुई है? देखो जी सारी गाड़ियाँ इससे आगे 4-5 गाड़ियाँ डैमेज, जेसीबी से भी हम लोग जेसीबी से नहीं, इधर से घर से गिर जी वारदात, इधर के यहाँ इधर से नहीं, इधर से इसमें। हिमांशु क्या हुआ था जब यहाँ पे आप? सर मैं आगे से आ रहा था जी, आगे से चाचा थे मेरे, इन्होंने बीच में मेरे को रोका, गाड़ी ग्लोच किया मेरे साथ, लपटम झपटम हुई, चाचों को सर इन्होंने डंडों से मारा, ईट पत्थर मारे इनके ऊपर, सर फिर इन्होंने फायरिंग चालू कर दी सर। सर फायर कम से कम 40 से 50 फायर हुए सर। सर ये लोग थे 15 से 20 लोग। आप लोगों ने बचाव की भी कोशिश की? जी बचाव की बिल्कुल कोशिश की। आपने भी अपना बचाव में कोई आपस में कोई पत्थर वगैरह? जी पत्थर वाला का बहुत किया था सर, फिर हम चले गए थे जी। अभी कौन कौन घायल है आपके परिवार से? जी फादर जी मेरे, चाचा जी घायल है, दादी जी का लग रही जी। दरअसल घटना शुक्रवार रात 8:30 बजे की है कि जब धनवापुर गांव के दो परिवारों में पुरानी रंजिश के चलते झगड़ा शुरू हो गया और झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों गुट एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए। गलियों में पड़े ईंट पत्थरों के ढेर देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मंजर कितना खौफनाक रहा होगा। आधा दर्जन से ज़्यादा गाड़ियाँ इस दौरान डैमेज हो गई। गाड़ियों की हालत दहशत की दास्तान बयां कर रही है। इस दौरान आधा दर्जन के करीब फायर भी किए गए, लेकिन गनीमत ये रही कि इस दौरान किसी भी शख्स को गोली नहीं लगी।